जब जब जमाने में 14 दिसंबर आती है, तब तब हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान में भी विशेषकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों को, अपने चहेते संजय गांधी की बहुत याद आती है। वही संजय गांधी 1970 के दशक में जिन्हें भारत का भावी प्रधानमंत्री माना जाने लगा था। वही संजय गांधी 1970 के दशक में जो हर कांग्रेसी नौजवान के हर दिल अजीज हुआ करते थे। अपने ऐसे नौजवान नेता संजय गांधी की उनकी मित्रमंडली को बेशुमार याद आना लाजमी भी है, क्योंकि इसी तारीख यानी 14 दिसंबर को ही तो सन 1946 में यानी आज से करीब 75 साल पहले उस कद्दावर नेता का जन्म हुआ था। वो युवा कांग्रेसी नेता जिसके हुक्म की तामील में जाने अनजाने भी कोताही बरतना शायद ही किसी की कुब्बत की बात रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे स्वर्गीय संजय गांधी के जन्मदिन के मौके पर उनकी भूली बिसरी यादें। वो यादें जो आज भी तरोताजा ही हैं, वो यादें जिन्हें मिटाने वाली जमाने में आज तक किसी रबड़ को कोई ईजाद नहीं कर पाया। लिहाजा ऐसे मौके पर तलाश कर याद करना जरूरी है संजय गांधी की मित्रमंडली में शामिल रही किसी न किसी शख्सियत को, और वो शख्सियत कोई खास ही होनी चाहिए। जब संजय गांधी की करीबी शख्सियत का ही जिक्र उनके जन्मदिन के मौके पर करना है, तो फिर ऐसे में मोहतरमा रुखसाना सुल्ताना का जिक्र करने में ही भला क्या बुराई है। वही रुखसाना सुल्ताना जिन्हें संजय गांधी द्वारा चलाए गए उनके परिवार नियोजन कार्यक्रम की धुरी कहा जाता था। वही रुखसाना सुल्ताना जिनके हाथों में दिल्ली राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम की बागडोर सौंप कर बेफिक्र हो गए थे संजय गांधी। वो संजय गांधी जो अपने मन की मनवाने के मामले में अपने सिवाय अपनी परछाई तक पर विश्वास करने को तमाम उम्र राजी नहीं हुए थे। ऐसे कद्दावर कांग्रेसी नेता संजय गांधी के जन्मदिन पर TV9 पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में मैं अतीत के पन्ने पलट रहा हूं। मतलब अब से 46 साल पहले यानी सन 1975 के करीब लिखी गई यादों की किताबों के पीले पड़ चुके पन्ने। संजय गांधी की मां और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर चुकी थी। संजय गांधी ने उन दिनों राजनीतिक गलियारों में मां की उंगली पकड़कर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया था। शुरुआत क्या हुई थी समझिए, उन दिनों संजय गांधी मां के नक्शे कदम पर तेजी से आगे बढ़ने में जुटे हुए थे। मां के साथ देश की राजनीति में संजय गांधी की बढ़ती चाल का आलम यह था कि न सिर्फ कांग्रेसियों को अपितु कांग्रेस के धुर विरोधी दलों के कानों में भी संजय गांधी के राजनीतिक गलियारों में पड़ने वाले पावों की धमक गूंजने लगी थी। तमाम विरोधी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग संजय गांधी के भीतर आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का एक कद्दावर युवा प्रधानमंत्री देखने लगा था। यह बात तब की है जब हिंदुस्तान में साक्षरता, सौंदर्यकरण, दहेज, जाति उन्मूलन और परिवार नियोजन यानी नसबंदी जैसा 5 सूत्रीय कार्यक्रम अपने चरम की ओर था। दरअसल संजय गांधी देश में बढ़ती आबादी को सबसे बड़ी समस्या बताते मानते थे। संजय गांधी का मानना था कि देश में अगर जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया गया तो बाकी सब समस्याएं उसके सामने खुद ब खुद ही बौनी साबित हो जाएंगी। लिहाजा संजय गांधी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण की खातिर सरकारी मशीनरी उसमें पूरी तरह झोंक दी, क्योंकि देश में आबादी कम करने का सेहरा संजय गांधी खुद के सिर बांधना चाहते थे। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में होने वाली हर राजनीतिक उठापटक की खबर बिना पहुंचाए ही देश और दुनिया में पहुंच जाती है। इस नब्ज को संजय गांधी से ज्यादा बेहतर भला और उस जमाने में कौन समझ सकता था। परिवार नियोजन के लिए उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को ही चुना, दिल्ली में भी पुरानी दिल्ली का इलाका। इधर संजय गांधी ने देश में बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या पर काबू करने के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए। उधर दूसरी ओर उनके इन कदमों की चाल को काबू करने के लिए उनका विरोधी तबका सिर उठाने लगा, सीधे सीधे मोर्चा न लेकर दबी जुबान दबे पांवों से ही सही। दिल्ली में नसबंदी अभियान कैसे कामयाब होगा, पत्रकार विनोद मेहता की किताब द संजय स्टोरी के मुताबिक नसबंदी कानून सफल बनाने की जिम्मेदारी संजय गांधी ने सौंपी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर किशन चंद, नवीन चावला, विद्याबेन शाह और रुखसाना सुल्ताना के हाथों में। संजय गांधी के जन्मदिन के मौके पर आज मैं उन्हीं रुखसाना सुल्ताना का जिक्र आपसे कर रहा हूँ जो संजय गांधी से बेहद प्रभावित थी। यहां तक कि एक दिन यूं ही बैठे बिठाए रुखसाना सुल्ताना संजय गांधी के पास खुद ही जा पहुंची और उनसे बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं। खबरों के मुताबिक उससे पहले तक रुखसाना सुल्ताना दिल्ली में ही अपना एक बुटीक चलाती थी। बेहद खूबसूरत रुखसाना संजय गांधी से जब पहली बार मिली तो फिर वे हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के खेमे की होकर रह गईं।
जानते हैं इन रुखसाना सुल्ताना की माँ जरीना कौन थी? जरीना बीकानेर रियासत के मुख्य न्यायाधीश मियां एहसान उल हक की बेटी और हिंदुस्तान की मशहूर हीरोइन रही बेगम पारा की बहन थी। रुखसाना सुल्ताना का खानदान जितना मजबूत था, वे खुद भी उससे कहीं ज्यादा रुतबे और रसूखदार थी। रुखसाना की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज के अधिकारी शिवेंद्र सिंह से उन्होंने शादी की थी। शिवेंद्र सिंह भारत के मशहूर पत्रकार लेखक खुशवंत सिंह के रिश्ते में भतीजे लगते थे। जब बात संजय गांधी और रुखसाना सुल्ताना की हो तो ये भी जान लीजिए कि सारा अली खान की माँ और सैफ अली खान की पहली बेगम रह चुकी बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन अमृता सिंह इन्हीं रुखसाना सुल्ताना की बेटी हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं जिक्र कर रहा हूँ सैफ अली खान की सास और सारा अली खान की नानी का। ऐसी रुखसाना सुल्ताना को ही संजय गांधी ने मर्दों की नसबंदी का जिम्मा दिल्ली में सौंपा था। चंद दिन में ही दिल्ली में उन रुखसाना सुल्ताना के नाम के खौफ का वो आलम हो गया कि पुरानी दिल्ली इलाके की जिस गली में घुस जाती उसी गली से 18 साल के युवा हों या फिर 60 साल के बुजुर्ग घर और गली कूचों की ऊंची नीची दीवारें कूदते फांदते भाग जाने में ही बेसब अपनी खैरियत समझते थे। इस डर से कि ना मालूम कब रुखसाना सुल्ताना उन्हें पकड़कर जबरिया ही उनकी नसबंदी ना करा बैठे। पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी में संजय गांधी और रुखसाना सुल्ताना से जुड़े तमाम और भी यादगार लम्हों का बेबाकी से जिक्र किया है, जिसके मुताबिक पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में रुखसाना सुल्ताना को पहुंचा हुआ देखकर लोगों के हलक सूख जाते थे। हालांकि पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब में रुखसाना सुल्ताना से उस एक मुलाकात का जिक्र भी किया है जिसमें उनके नसबंदी कार्यक्रम को लेकर पुरानी दिल्ली की लोगों में मौजूद उनके नाम के खौफ की बात से रुखसाना सुल्ताना ने साफ इनकार किया था। रुखसाना ने उन तमाम बातों को महज कोरी अफवाह करार दिया था। रुखसाना की दलील थी कि वे किसी पर भी नसबंदी के लिए कभी दबाव नहीं बनाती हैं। उनके खिलाफ वे ही कुछ लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं नसबंदी कार्यक्रम को लेकर संजय गांधी और उनके यानी रुखसाना के खिलाफ जो लोग मुहिम चलाने पर आमादा हैं। इसके बाद किताब के लेखक और पत्रकार विनोद मेहता को रुखसाना सुल्ताना एक बार खुद भी पुरानी दिल्ली इलाके में अपने साथ लेकर गई थी। देश में नसबंदी वाली मुहिम का विरोध जब संजय गांधी की मुश्किलें बढ़ाने लगा तब इन्हें रुखसाना सुल्ताना ने एक गजब का मास्टर स्ट्रोक भी खेला था। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विशेष संप्रदाय के दो धर्म गुरुओं की ही नसबंदी करा लाईं। वो दोनों धर्म गुरु मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। धर्म गुरुओं की नसबंदी करा देना संजय गांधी द्वारा चलाए गए उनके उस नसबंदी अभियान में तो मील का पत्थर साबित हुआ ही। जिन संजय गांधी का सामना करने में उनके अपने करीबियों का पसीना छूटता था, उन दो धर्म गुरुओं की नसबंदी कांड ने संजय गांधी की नजरों में रुखसाना सुल्ताना की हैसियत उस हद तक बढ़ा डाली जो जमाने में संजय गांधी के सिवाय शायद ही किसी और को रास आई होगी। तो संजय गांधी के जन्मदिन पर पेश पॉडकास्ट की इस विशेष कड़ी में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल TV9 डिजिटल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।